हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल ऑफ दी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब पिछले कुछ टाइम से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे और उसमें मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया था कि अगर गुजरात के अंदर टोटल 19 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एंड आउट ऑफ दिस 19 कॉलेज इफ़ यू आर गेटिंग चांस टू टेक एडमिशन इन द टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन यू शुड डेफिनेटली टू टेक इट। ओके, सो दैट्स वाई आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कि सर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट कौन सी है, तो उसके बारे में तो हमें बताइए। तो दिस वीडियो इज एंटायरली फोकस फॉर द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंपैरिजन एंड द फैसिलिटीज विच दे प्रोवाइडेड। ओके, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो जिसमें है सबसे पहले है डॉक्टर एस एन एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत के अंदर। अब यहाँ पे ब्रांच की बात करें तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, एनवायरनमेंट, मैकेनिकल है और कुल मिला के 300 है। तो यहाँ पे मैं हर एक कॉलेज की इतनी बेसिक डिटेल आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर स्क्रीन, सो यू कैन पोज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी अच्छी है मैं आपको डेफिनेटली पिंक कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद एक जीसी भरूच है, जीसी भावनगर, जीसी भूज, जीसी दाहोद, जीसी गांधीनगर। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर का बहुत अच्छा नाम है। अगर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो हर साल टॉप की रैंकिंग में जीईसी गांधीनगर का नंबर आता है, तो ये एक बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आप डेफिनेटली यू शुड कंसीडर योर एडमिशन इन द जीईसी गांधीनगर, ठीक है। ये आती है गांधीनगर के सेक्टर नंबर 28 के अंदर और यहाँ पे आपको बायोमेडिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और मेटेकुलरी, इन सब की टोटल 570 सीट अवेलेबल है, कि जिसमें से सारी की सारी एसीपीसी के अंदर आती है और यहाँ पे 18 टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आती है गुजरात के गांधीनगर के अंदर। फैसिलिटीज में यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल मिल जाती है और फीस इज ओनली 1500 रुपीज फॉर द बॉयज, एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आती है जीईसी गोधरा और उसके बाद अच्छी कॉलेज की बात करें तो जीईसी मोड़ासा इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी और मैकेनिकल, ये सारी ब्रांच के कुल मिला के 630 सीट्स अवेलेबल है। टोटल ईडब्ल्यूएस की ऐड करें तो यहाँ पे आपको सीट्स ऑफर होती है 788, जिसमें से सारी यहाँ पे सीट्स है वो अंडर आती है एसीपीसी के अंदर, मैनेजमेंट कोटा में यहाँ से आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स है यहाँ पे 16, डिस्ट्रिक्ट आता है अरवली, इसके अंदर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल सिर्फ है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है और मेस की फैसिलिटीज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फीस की बात करें तो ओनली 1500 रुपीज पर ईयर और यहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद आती है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पालनपुर, उसके बाद है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पाटन, इसका भी काफ़ी अच्छा नाम है। अगर इसकी हम डिटेल्स से करें तो यहाँ पे सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड मैकेनिकल, ये टोटल ब्रांच, पांच ब्रांच मिला के यहाँ पे 360 नंबर ऑफ सीट्स आपको अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स यहाँ पे इंक्लूड करें तो ये हो जाती है 451 और जिसमें से 11 टीएफडब्ल्यूएस की अंदर आती है। डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पे पाटन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है और 1500 रुपीज है बॉयज के लिए फीस, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी फीस पे नहीं करनी है। अगर इसके बाद की अच्छी कॉलेज की बात करें तो जीईसी राजकोट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ये आती है कनकोट विलेज के अंदर और यहाँ पे राजकोट के आउटर साइड ये आपको देखने को मिलेगी। अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, ये टोटल 7 ब्रांच मिला के 510 इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ पे इंक्लूड करें तो टोटल सीट्स यहाँ पे हो जाती है 638, जिसमें से सारी की सारी सीट्स यहाँ पे एसीपीसी के अंदर आती है। जेडब्ल्यूई से यहाँ पे एडमिशन होता है बट इसके लिए भी आपको एसीपीसी से ही एडमिशन करवाना होगा। अगर टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 30 टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स अवेलेबल है, ये आती है राजकोट के अंदर। यहाँ पे फैसिलिटीज की बात करें तो सिर्फ बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फीस है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट तो हम सारी की सारी फीस यहाँ पे सेम ही रहेगी, 1500 रुपीज फॉर बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी आपको पे नहीं करना है।
उसके बाद है जीईसी वलसाड, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है और इसमें दो नई ब्रांच भी ऐड हुई है। सबसे पहले तो स्टार्ट करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद है बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल। इसके अलावा भी पिछले साल यहाँ पे दो नई ब्रांच ऐड हुई थी, तो ये आप उसकी वेबसाइट पर से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब दो साल से पहले के डेटा में यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम पे 1140 थी सीट्स थी, तो इस टाइम आराम से ये समथिंग अराउंड 1500 सीट्स आपके लिए अवेलेबल होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से आपका एडमिशन नहीं होगा और एनआरआई कोटा में भी यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता है। अगर हम टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स की बात करें तो टोटल 71 नंबर ऑफ टीएफडब्ल्यूएस सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आती है अहमदाबाद के अंदर नवरंगपुरा एरिया में, यहाँ पे आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी। जस्ट ये गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने है और आप यहाँ पे मतलब बहुत ही इसका प्राइम लोकेशन है, सिटी के बीचों बीच है, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फीस की बात करें तो फीस इज समथिंग अराउंड 1500 रुपीज बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी फीस आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद एक और फेमस कॉलेज और बहुत पुरानी कॉलेज है लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोरबी के अंदर आती है। टोटल 480 यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर और लास्ट कॉलेज है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। वीजीईसी इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस कॉलेज और बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगी वीजीईसी। सेम एलडी की तरह वीजीईसी का भी बहुत बड़ा नाम है और वीजीईसी के अंदर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी, आईसी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांच मिला के टोटल यहाँ पे 8-9 ब्रांच मिला के 720 सीट्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स एड ऑन करें तो टोटल यहाँ पे आपको 900 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें से 45 आपको टीएफडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये आता है अहमदाबाद के अंदर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप कई जगह पे पढ़ोगे कि वीजीईसी गांधीनगर और कई जगह पे पढ़ोगे वीजीईसी अहमदाबाद, तो ये दोनों क्या डिफरेंट कॉलेज है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये दोनों सेम ही कॉलेज है। अब देखिए, ये चांदखेड़ा के अंदर आती है और चांदखेड़ा अहमदाबाद में लास्ट होता है और इसके बाद सीधा गांधीनगर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है, यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर के। तो अगर आप कहीं पर गांधीनगर पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई दूसरी कॉलेज है, इट इज द सेम कॉलेज, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज मिलती है और मेस की भी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी। फीस की बात करें तो हर एक जगह पे जैसी फीस होती है 1500, वैसे यहाँ पे भी आपको 1500 बॉयज को पे करने होंगे, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।